भक्त चरण रे समस्त सिद्धिवृंद चरण रे आम विनम्र प्रणति। तो सबुदिन परी आज आम श्रीमद भगवद गीता अध्ययन हेतु आश्रम समवेत होती। तेणु आज हम लोग ये जो भगवद गीता का जो कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे 19वां श्लोक तक 19 तक, तो आज हम 20 से 23 तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा लंबा है क्योंकि यहाँ चार श्लोक को भगवान ने इंस्ट्रक्ट किया है एक ही बार में, तो उसको थोड़ा कोशिश करेंगे। कल हम लोग एक्चुअली डिस्कस किए थे 19 में, यथादीपो निवासते नेंगते सुमपास्तुता योगिनो चित्तस्य जुंजते जोगात्मनः। इसका मतलब है एक जो घर में अगर हम दरवाजा खिड़की सब बंद कर देंगे तो उसमें क्या होता है कि जो कैंडल जलता है, जो दीप जलता है, प्रदीप जलाते हैं हम लोग, उसका जो फ्लेम है वो पूरा हिलता नहीं है, पूरा स्थिर रहता है। उसका एक्चुअली जो स्थिति जो है वो उसी में स्थिर रहता है, नहीं तो थोड़ा सा भी हवा इधर उधर जाएगा तो ये हिलडोल जाता है, स्थिर नहीं रहता है। वैसे ही अगर जो मन जो है इनको संयम करने हेतु योगी क्या करता है, उनका चित्त जो है, ये योगी का चित्त का मतलब यही है कि जो उसका वो अभी स्वरूप स्थिति में रहता है, यहाँ जो उनका उनको पता है कि मैं भगवान का जो चरण में चित्त को निवेश करने हेतु मेरा ये अंतिम लक्ष्य है, तो वो इसी पे ध्यान कर रहा है। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्या है कि ध्यान योग है, तो ध्यान योग मतलब ये अष्टांग योगी का जो ध्यान लेवल योग का लेवल है। उसके बाद में धारणा और समाधि स्थिति में जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो ध्यान में थोड़ा सा भी मतलब डिटैच नहीं होता है, वो हमेशा कंस्टेंटली एंगेज रहता है ध्यान करने हेतु। अगर उनका मन विचलित रहेगा और कोई भी विचलित कर देने हेतु जो व्यक्ति या फिर कोई वस्तु उनको मिल जाएगा इंद्रिय तृप्ति हेतु, तो उसका मन को भी वो विचलित कर देगा और वो ये ध्यान में मग्न रहना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम कभी कभी बहुत सारे सुने हैं कि जैसे कि विश्वामित्र ऋषि का बात है, सबरी मुनि का बात है, तो ये जब उर्वशी आकर के डांस करते हैं वहां का पाजेब का जो झनकार है उसको सुन के फिर इनका तो आंख तो बंद है लेकिन कान के थ्रू वो जो नवद्वार का मतलब क्या है, हमारा दो नाक है, ये एक लेफ्ट और राइट मुंह एक है, ये हो गया तीन, कान दो है और आंख दो है, तो ये और बाकी जो है हमारा अनोसेंट जेनिटल, तो ये जो है ये मतलब उसमें ये थोड़ा सा साउंड आ गया कान के थ्रू घुस गया तो वो विचलित हो जाते हैं कि उसके प्रति अट्रैक्ट हो करके ये फिर उसी मेंटली उसी स्थिति में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कि उनका चित्त जो है अस्थिर हो गया। तो चित्त अगर अस्थिर हो गया तो वो अभी ध्यान करने लायक नहीं रहते, तो ध्यान उसमें करना पॉसिबल नहीं है। हम ये ध्यान योग जो पढ़ रहे हैं तो उसमें हम लोग ये इसी का जो स्थिति है और उसको उसमें से जो इम्प्रीडिमेंट्स क्या आता है, उसमें बेनिफिट क्या है, उसमें खामियां क्या है, ये सारे चीज हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी ये कल हम लोग पढ़ चुके थे, तो इसलिए जो कृष्ण चेतनशील है योगी जो वो क्या है कि ये दीप का शिखा जैसा स्थिर रहता है वो हमेशा मतलब निवासस्थ दीप मतलब जो स्वरूप स्थिति में रहते हुए वो हमेशा उनको ज्ञान रहता है कि मैं भगवान का दास हूँ
उनको प्लेजर देना मेरा ही परम कर्तव्य है, उसी में रहता है, और उसमें से थोड़ा सा भी इधर उधर रहते। प्रभुपाद एक्चुअली ये जो सेक्शन है ध्यान योग, हम जो छठवां अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें इतना डिटेल लिंक किए हैं, इतना डिटेल में डिस्कस किए हैं कि ये जो अष्टांग योग और ये जो भक्ति योग या फिर जिसको कर्म योग भी बोला गया है, इसको समझना चाहिए इसको, कर्म योग कहाँ पे क्या बोला गया है। मतलब यहाँ ये जो भक्ति योग के को हमेशा कंपेयर किया गया है अष्टांग योग के साथ में, उसमें इसमें क्या फायदा है, उसमें क्या नुकसान है, या फिर दोनों में क्या क्या समानताएं हैं, इसको इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो उसी सिलसिला को फिर चलाते मतलब मेंटेन करते हुए ये पूरा मतलब भगवान अभी ये 20 से लेकर के 23 श्लोक तक फिर अर्जुन को बताते हैं। जत्रो परमते चित्तम निरुधम योग सेवया जत्र चैवात्मनात्मनं पश्यन्नात्मानि तुष्यति सुखमादित्यं जत्बुद्धत बुद्धिग्राह्यम् अतिन्द्रियम् व्यक्तिजत्र न चम्बायं स्थितश्चलति तत्त्वतः जंगलब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः जस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तंग विद्या दुख संयोग वियोगं जोग संगीत जोग संगीतम। तो ये जो चार श्लोक है इसको एक श्लोक में भगवान ने बताए हैं। इसमें ये जो ध्यान योग का जो स्थिति में उसमें क्या क्या होता है, सूक्ष्म रूप से होता है, ये कहीं ग्रॉस में नहीं हो रहा है। तो ये मन की बात बता रहे हैं, चित्त की बात बता रहे हैं, आत्मा की बात बता रहे हैं, परमात्मा की बात बता रहे हैं, ये तो सारे जो हैं वो तो मतलब सूक्ष्म है, कोई उसमें ग्रॉस नहीं है, जो भौतिक जो मेटीरियल कुछ नहीं है, वो सारे सूक्ष्म रूप में डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस है तो उसके अंदर की बात यहाँ डिस्कस हो रहा है। इधर भगवान पहले श्लोक में क्या बोलते हैं, जत्रो जत्रो परमते चित्तम, इसका मतलब है जो ये चित्त जो है अपना जो मन जो है इसको बोलते हैं, जो मन परमते चित्तम मतलब जिसमें वो क्या होता है कि जो दिव्य स्थिति में है, इसका मतलब है जत्र उपरमते मतलब है जो दिव्य स्थिति दिव्य आनंद जो है, जब वो उनका फीलिंग वैसा होता है तो उस टाइम में चित्त क्या स्थिति में रहेगा, उस स्थिति को यहाँ बताया जाता है। इस और आगे बोलते हैं निरुद्धम योग सेवया, निरुद्धम मतलब है ये क्या होते हैं योग सेवया मतलब ये जो योग अभ्यास करता है उसमें क्या होता है निरुद्धम, निरुद्धम मतलब है जो मेटेरियल सेंसेस है तो उसमें वो टोटली डिटैच रहता है, उसका उसके साथ में कोई लेन देन नहीं है। देखिए कितना स्ट्रॉन्गली यहाँ डिस्कस किया गया है, हैं? तो जत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, जब ये जो मेटेरियल जो अटैचमेंट है उसमें से पूरा वो उभर चुका है, उसका मटेरियल के साथ कुछ लेन देन नहीं है, वो अभी अपना स्पिरिट या फिर आत्मा लेवल में वो थोड़ा थोड़ा पहुंच चुका है, तो पहुंच चुका है तो उसका वो फीलिंग आ रहा है और मटेरियल फीलिंग का जो है वो घटा जा रहा है या फिर पूरा मतलब चला गया है। उस स्थिति में जत्र चैव न आत्मान आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यते, इसका मतलब है जिसमें वो जत्र च एव मतलब जो निश्चित भाव से क्या होता है कि आत्मना आत्मना मतलब है इनका मन अभी शुद्धि हो चुका है, शुद्धि जैसे कि चेत दर्पण मार्जनम बोलते हैं ना, डिस्कस करते हैं हम लोग, उसमें क्या होता है कि ये चेतना रूपक मन की जो दर्पण है मन दर्पण जिसको बोलते हैं वो अभी शुद्धि हो चुका है, उसमें ऊपर में कुछ मैला है नहीं, तो
उसको ये बताया गया है। तो ये आत्मना आत्मानम, आत्मना मतलब है उसका आत्मा। तो देखिए ये चेतना रूपक दर्पण जब साफ पूरा हो जाता है तो इधर बताया गया है कि ये आत्मा जो है उसका उसका आत्मा का सोल फीलिंग उसको आ जाता है। पश्यन आत्मानि तुष्यति, मतलब जो ये तुष्यति मतलब है संतुष्टि मिलता है उसको। उसको क्या होता है जो वो मैटेरियल से पूरा मतलब डिटैच होकर के जब जो दिव्य स्थिति में आ जाता है उसको एक एक ऐसा फीलिंग आता है, एक आनंद का फीलिंग जिसको बोलते हैं, जो खुशी का फीलिंग या फिर सुख का फीलिंग ऐसा आता है। तो वो क्या होता है कि हमेशा वो संतुष्टि में रहता है। ठीक है, ये क्या हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी हम भक्ति योग नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि ये ध्यान योग का लेवल, ध्यान योगी कहाँ किस लेवल में है, हम लोग उसके उसके डिस्कशन में अभी एंगेज हुए। तो फिर क्या होता है, सुखम सुखम अत्यंतिकम जत तद, इसका मतलब है जो सुखम, इसका मतलब क्या क्या है, जो जो ज्यादा सुख जिसमें उनको मिलता है। तो क्या होता है कि बुद्धि ग्राह्यम अतिन्द्रियम, बुद्धि ग्राह्यम मतलब है ये जो जो ये जो जो अर्थात जो ये मतलब जो अतिन्द्रिय अर्थात जो दिव्य है, तो उसमें जो उनका बुद्धि ऑलरेडी एंगेज हो चुका है। तो मन फिर उसके बाद में ऊपर में है बुद्धि, हम लोग और एक दिन डिस्कस किए थे कैसा, जैसे कि ये सेंसेस है उसके ऊपर में मन है, मन के ऊपर में बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर में जाकर के आत्मा है। ये तो आत्मा का फीलिंग उसको आ गया है ये, लेकिन ये कंप्लीटली सोल प्लेटफॉर्म में अभी नहीं है, है इसको उसी लेवल के बाद अभी चल रहा है। तो वो क्या होता है कि तो और आगे बताते हैं कि व्यक्ति जत्र न चैवायं स्थितश्चलस्ति तत्वतः, मतलब ये क्या करता है, ये उस स्थित चलती मतलब ये स्थिर हो करके उसमें विचलित नहीं होता है। न च एव अयम स्थित चलती, इसका मतलब है उसमें वो जा करके फिर उसमें से और विचलित नहीं होता है, क्योंकि वो इस लेवल में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उसको सेटिस्फेक्शन जो संतुष्टि यहाँ बताया गया ना, प्रसन्न आत्मानी संतुष्टि, उनको संतुष्टि थोड़ा मिल रहा है। तो स्थित चढ़ती तत्व तो मतलब ये उसमें से और कहीं इधर उधर भागता नहीं है। जंग लब्ध्वा लब्ध्वा चापरंग लाभंग मन्यते नाधिकम तत, इसका इसका हम क्या है माने मतलब जो स्थिर होने के बाद में वो कभी इसमें डिटाच और नहीं होता है, वो उसमें से और विचलित नहीं होता है। लेकिन ये स्टेज जो है हमको ये थोड़ा मतलब आइडिया रखना पड़ेगा, ये स्टेज उतना सहज नहीं है, ये बहुत ही डिफिकल्ट स्टेट है। तो क्योंकि वो अष्टांग योग प्रोसेस में आया है क्योंकि उनको जो मेटेरियल सेंसेस है उसमें से पूरा इसको उस खुद को निवृत्ति करके मतलब डिटैच हो करके फिर वो क्या कर रहा है कि शुद्धि जो है शुद्धि हो करके फिर क्या करता है कि ये योग सेवा में योग सेवा मतलब ये यहाँ क्या है कि मतलब दिव्य सेवा जिसको बोलते हैं, तो उसमें रहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि उसमें वो खुद का स्थिति जो है उसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा हूँ, तो उस स्थिति में जाता है। तो उसमें क्या होता है कि मेटेरियल फीलिंग जितना भी उसका एक्सपीरियंस पहले हुआ है, क्योंकि यो ये क्या कर रहा है कि यम नियम प्राणायाम जो प्रत्याहार इस उस लेवल हो करके वो आया है, मतलब जोगार जो आरुरुख्य स्टेज वो क्रॉस करके फिर वो आ गया है या अभी आरूढ़ स्टेज में वो आ चुका है, तो उसको अभी पता चल रहा है कि ये थोड़ा मतलब हल्का है, जैसे कि उसमें कुछ है ही नहीं और है उसमें उसका मतलब जो संतुष्टि आ गया है, उसका लेवल उतना है उसमें उनका संतुष्टि आ गया है। तो अभी ये जब ये लाभ करता है तो वो ये सोच रहता है कि उससे और ज्यादा कुछ प्राप्त करने के लिए उसमें है नहीं, जिसको निर्वाण स्थिति बोलते हैं उस लेवल में वो आ चुका है। इसको बोलते हैं कि इसीलिए इधर बोला गया है कि जस्मिन स्थितो न दुखे न गुणापि विचल्यते,
इसका मतलब है ये जो लेवल है, ये जो जस्मिन स्थितो न दुख है ना, मतलब उसका दुख की स्थिति और नहीं होता है दुख के दुख, और कभी उनको उनको उस लेवल में दुख नहीं आता है। तो उसको क्या लगता है कि ये बोलता है कि ये तो कष्ट हो रहा है, क्योंकि उसमें उसको मेंटेन करने के लिए, उस लेवल में उसको कंट्रोल करके पूरा मेंटेन करने के लिए वो बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन वो अभी क्या होता है कि उसमें से विचलित नहीं होना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको जो खुशी मिल रहा है उस लेवल में, उस स्थिति का जो फीलिंग है, निर्वाण स्थिति जो बोलते हैं, उस निर्वाण स्थिति का जो फीलिंग है, तो उसमें वो विचलित नहीं होता है, उस स्थिति स्थिर होकर के उसमें रहना चाहता है। तो फिर इसमें क्या होता है कि उसको लग रहा है कि ये मैं प्राय प्राय हाईएस्ट लेवल में पहुंच चुका हूं, इसके और ज्यादा कुछ लाभ है ही नहीं। तो इसीलिए वो क्या होता है कि जब उसको बताया गया है जस्मिन स्थितो न दुख है न गुरुणा आपी भी चले थे, मतलब वो क्या होता है कि दुख अगर आता है जो, क्योंकि उसको कष्ट लग रहा है, तो कष्ट का मतलब क्या है, कष्ट का मतलब है तो दुख, तो दुख हो रहा है फिर भी वो विचलित नहीं होता है, तो बहुत कठिन परिश्रम करके वो उस स्थिति में वो जाता है। तो तंग विद्या दुख संयोग विद्योगं संयोग जोग संगीतम, इसका मतलब ये जो स्थिति है, इसको बोलते हैं कि ये जो दुखद स्थिति का से, ये दुख संयोग वियोगम, मतलब ये दुख की स्थिति से उनको मुक्ति मिल चुका है, ये उनको मतलब ये बोला गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इनडायरेक्टली भौतिक स्थिति का पूरा निवृत्ति उनको आ चुका है, मतलब ये ध्यान स्टेज में, ये जो जिसको बोलते हैं ना, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में बोलते हैं कि निर्वाण है, या फिर हम लोग ने अभी डिस्कस किए हैं जो ब्रह्म निर्वाण है, वो स्थिति, मतलब हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं, हमको समझना चाहिए कि ये ब्रह्म निर्वाण स्थिति में अष्टांग योग प्रोसेस में जाकर के रहने हेतु कितना डिफिकल्ट है। तो प्रभुपाद यहाँ फिर उनका जो पर्पट में फिर बताते हैं, इसमें क्या होता है कि ये जो योगाभ्यास, इसका मतलब ये जो ध्यान योग बोल रहे हैं, तो उसमें क्या है कि हम लोगों को भौतिक धारणा जो है, मेटेरियल धारणा जो है, हम जैसे एक्चुअली हमारा फॉल्स ईगो, इसको क्यों बोला गया है माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ये फॉल्स ईगो फॉल्स वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि मैं मटेरियल हूँ, ये शरीर है मेरा, मैं हूँ, मैं मतलब है मैं ये मतलब ये मेरा शरीर है, मैं हूँ और ये मेरा है, ये मैं और मेरा, तो ये जो स्थिति है ये भौतिक स्थिति है, क्यों हम आत्मा है, क्योंकि ये शरीर तो एक कपड़ा जैसा है, इसको तो छोड़ के जाना है, हम जब चले जाएंगे तो कोई हमारा साथ भी नहीं जाएगा, ये तो अप्रिय सत्य जिसको बोलते हैं, तो वो ऐसा ही है, लेकिन हम फिर भी बोलते हैं कि मैं, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा बीवी, या फिर मेरा हस्बैंड, ये सब स्थिति जो है, इसको बोलते हैं कि ये हम, ये नहीं है हम, ये मेटेरियल नहीं है। तो वो जो चीज को लेकर के बताया गया है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, इसको बोला जाता है कि ये फॉल्स अंडरस्टैंडिंग है, हम एक्चुअली आत्मा है, लेकिन हमको लगता है कि ये है मैं हूँ, मेरा शरीर है, मेरा शरीर कैसे अच्छा दिखेगा सबको, है मैं उसको ये कर, हम कभी नहीं सोचते हैं कि हम श्रृंगार करके जाएंगे भगवान के सामने तो भगवान हमको देख के खुशी होंगे, क्योंकि हमने भगवान का श्रृंगार हमसे कई गुना ज्यादा सजाया है तो भगवान के सामने तो कम से कम एक डिसेंट जैसे कम समय नष्ट करके फिर जो हो सकता है उतना करके जाएंगे, लेकिन उसमें से हमारा पैशन वैसा नहीं रहना है कि पूरा श्रृंगार करते करते हम दिन भर बिता देंगे फिर शाम को मंदिर में जाएंगे, तो उसमें मन हमारा क्या है कि पूरा पैशन जो बोलते हैं तो उस स्थिति में रह जाता है, तो कोई फायदा नहीं होता है, जैसे जाकर के हम कम्पीट करते हैं दूसरों के साथ में, मन में एक कंपटीशन आ जाता है कि हम कितना दिख रहे हैं, अच्छा देखें, कोई हमको कंग्रेचुलेशन क्या नहीं, मतलब नहीं कर रहा है, या फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा है, इस टाइप का स्थिति में मन एकदम क्या बोलते हैं, मतलब एकदम कॉम्प्लेक्स होकर के रह जाता है, तो वैसा नहीं है। यहाँ बताया गया है कि जो भौतिक स्थिति से पूरा भौतिक स्थिति का पर्दा जो है वो हट चुका है, उनको ज्ञान आ चुका है कि मैं आत्मा हूं, मुझे ये मेटेरियल के साथ कुछ लेन देन है ही नहीं,
ये एक्चुअली स्वरूप स्थिति का आभास होने लगा है। इधर प्रभुपाद लिखते हैं, ये क्या होता है कि जो इसको इसको बोलते इसी को अष्टांग योग में समाधि का स्थिति बताते हैं। समाधि का स्थिति में क्या है, ब्रह्म निर्वाण हो जाता है जिसमें, और ये मेटेरियल लेवल में बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं रहता है, ये प्राय प्राय ये पूरा, जहां से भक्ति योग में जिसको वासुदेव तत्व बोलते हैं या फिर ये जो ब्रह्म निर्वाण बोलते हैं, तो उसके बाद में फिर जाकर के प्रेममय सेवा जो है वो एंगेज होता है। प्रेममय सेवा उसके बाद में जो भी कुछ सेवा करेंगे वो डायरेक्टली जिसको बोलते हैं कि वैकुंठ में रह करके हम भगवान की सेवा करने हैं, तो जो दिव्य स्थिति जो दिव्य आनंद है, तो उस लेवल का मतलब शुरू इनका एंड होता है। इन ये जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इनका एंड जो है उसी लेवल में है। तो इसमें जो बोलते हैं क्या है कि ये जो आत्मा परमात्मा, ये जो जो परमात्मा को योगी जो अनुभव करता है, इसका मतलब क्या है, आत्मा और परमात्मा, ये इसका मतलब है, ये दोनों को समझाता है हम कौन है और परमात्मा कौन है। ये है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग। ये जैसे कि परमात्मा का अनुभूति बोलने से, एक चीज को अनुभव करने हेतु खुद को तो अनुभव करना पड़ेगा ना, नहीं तो कौन अनुभव कर रहा है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं मतलब है मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा को अनुभव कर रहा हूँ, ये फीलिंग है। तो इसमें क्या है कि ये जो द्वैत अद्वैत अचिंत्य भेदाभेद भाव इसको बोलते हैं ना, तो परमात्मा तो है, मैं भी हूँ, मैं क्वालिटेटिवली उनके साथ में समान हूँ, लेकिन जो क्वांटिटेटिवली मैं उनसे कई लाखों हजार करोड़ करोड़ गुना कम हूँ, क्योंकि मैं वो सागर है, मैं एक बिंदु जल हूँ। तो ये स्थिति होता है, इसको स्वरूप स्थिति बोलते हैं। तो उसमें कुछ एक्चुअली ये अंडरस्टैंडिंग में कोई दुविधा जो भक्ति योगी है उसके मन में वो नहीं रहता है। लेकिन जो इसीलिए जिसको बोलते हैं कि जो जो आत्मा को मतलब परमात्मा हेतु मतलब समझ लेता है कि मैं उनके साथ में मिल चुका हूँ, तो मेरा ब्रह्म उनका जो फीलिंग होता है ना, मतलब परमात्मा के साथ मिल जाना, तो उस लेवल में जो लोग बोल मतलब मिल जाते हैं वो सही नहीं है इसको, ठीक है। तो फिर आगे ये पतंजलि जो अष्टांग योग ने उनको हमको समझाने की कोशिश किया है, इसको बोलते हैं कि मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो मोक्ष है वो हाईएस्ट स्टेज है, ये इसको बताए हैं। और इसमें उनका जो फिलोसफी है उसमें भी जो दिव्य आनंद मतलब पाने हेतु उसका भी मतलब बताया गया है, क्योंकि उनका जो उनका जो अगर पतंजलि का अगर योग सूत्रों को देखा जाए तो पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिस प्रसव कैवल्यं स्वरूप प्रतिष्ठा व चित्ति शक्ति रति रीति, इसका मतलब है क्या। तो इसको यही बोलते हैं कि जो मतलब उनको जो ये जो दिव्य दिव्य आनंद जो है उधर भी उसको बताया गया है, लेकिन क्या होता है ये जो 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 ब्रह्मवादी हैं या फिर जो ये निर्वाण प्राप्ति हेतु जो जो ये अष्टांग योग कर रहे हैं, ये क्या करते हैं कि ये दिव्य आनंद ही हमारा चरम उद्देश्य है या फिर परम उद्देश्य है, उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, क्योंकि उनको उनको क्या है कि उनका थोड़ा मतलब सेल्फिश रहता है कि हम भगवान के साथ में समान हो गए और उनके साथ मिल गए, तो यही है हमारा ब्रह्म निर्वाण स्थिति, वो एंड होता है, उनका एंड वहीं पर है। लेकिन उसके आगे पतंजलि ने भी उनका श्लोक में ये बताए हैं कि कैवल्यं स्वरूपम प्रतिष्ठा वा चित्ति शक्ति रीति, इसका मतलब है ये जो 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 मोक्ष का मतलब है भगवान का उसके साथ जो मिल गया है, इसमें क्या है कि जो कैवल्यम का मतलब क्या है, जो भगवान का अंतरंगा शक्ति है,
इंटरनल पोटेंशी है। तो ये चीज जो है इसको बताया गया है कि ये कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, मतलब स्वरूप क्या है, हम आत्मा है और उनके साथ में जो 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 कैवल्य मतलब भगवान का अंतरंगा शक्ति जो है वो दिव्य शक्ति है, तो उसको हम फील करना। तो जो ये इसमें क्या है कि जीव जो क्या होता है कि हमारा जो आत्मा है क्या है, आत्मा इसको समझ पाता है कि भगवान है और भगवान कितना दिव्य है, कितना सुंदर है, जो उसको सड़ा ऐश्वर्य है उनका वो पोटेंशी है और मैं आत्मा हूँ, मेरा पास उसमें थोड़ा थोड़ा क्षुद्राति क्षुद्र जिसको बोलते हैं छोटा छोटा पोटेंशी में है, लेकिन वो मेरा प्रभु है। इसी को सेम चीज ये जो 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 आभास दिए हैं पतंजलि ने, सेम चीज महाप्रभु का जो जो शिक्षाष्टक है जो उसमें हम लोग वही उसको वही पहले से शुरू से वर्णन किया गया है, मतलब शुरू में वही चीज है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। इसका मतलब है भव महादावाग्नि जो है वो उसको निर्वापण करने है, तो क्या होगा कि चेतना रूपक दर्पण जो है उसको मार्जन करना है। हमारा चेतना जो चेतना है उसमें चेतना क्या है कि वो मेटेरियल सेंसेस है, मेटेरियल चेतना है और एक स्पिरिचुअल चेतना है, तो वो स्पिरिचुअल चेतना को इधर बताया जाता है कि जो इसको फिर मार्जन करना है, उसके ऊपर में जितना भी अनर्थ है उसको धूल है तो उसको डस्ट जैसा बताया गया है, उसको डेली साफ करना है। वो तो साफ करने है तो हमको क्या होगा कि हम जो आत्मा है वो हमारा जो स्वरूप स्थिति है, हम आत्मा है, हम कतई ये मेटेरियल बॉडी नहीं है, उस स्थिति का आभास हमको आएगा, तो इसको साफ करना है। इसमें श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि स्वरूपणे व्यवस्थित, इसका मतलब है कि हम जब पता चलेगा तो हम आत्मा है, इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर के बारे में हम कुछ नहीं ज्ञान है, मतलब हमको उस टाइम में मालूम ही नहीं है हम आत्मा ही है। तो जो भक्ति योग में जो रहते हैं उसमें उनको क्या है कि हम परमात्मा का एक आत्मा एक अंश है और वो उनका सेवक है और वो हमारा प्रभु है, तो उनका प्लेजर है तो हमारा कर्तव्य कर्म इतना निमज्जित रह जाते हैं, तो हमेशा ये आत्मा स्थिति में स्वरूप स्थिति में रहते हैं कि यही है स्वरूप स्थिति क्या है कि भगवान है परमात्मा और आत्मा, उस स्थिति को उस भली भांति मतलब फूली अकम्पलिश होकर के समझ जाना, इसी को बोलते हैं कि स्वरूप स्थिति। तो स्वरूप व्यवस्थित मतलब है हम आत्मा लेवल में रह करके फिर उसको अनुभव कर रहे हैं। लेकिन इसमें इसमें जो 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 अदर्स फिलोसफी जो अष्टांग योग का है या फिर बुद्धिस्ट फिलोसफी में उसमें क्या बोलते हैं कि उसको उनको बोलते हैं कि हमको निर्वाण प्राप्ति करना है। निर्वाण प्राप्ति का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है निर्वाण, जिसको भौतिक स्थिति का जो भौतिक शरीर का जो ज्ञान है, हम लोग हमें भौतिक शरीर ही मैं ही भौतिक शरीर हूँ या फिर ये मटेरियल बॉडी हूँ, ये नॉलेज से 100% छुटकारा जब मिल जाता है, पूरा 100% जब छुटकारा मिलता है उनको वो निर्वाण बताते हैं, जिसमें फिर क्या होता है कि उसमें और शून्य होता है, उसमें वैक्यूम होता है, मटेरियल तो नहीं रहता है लेकिन स्पिरिचुअल भी नहीं रहता है, तो उसमें उसको वैक्यूम बताया जाता है। उस स्थिति में जब आ जाते हैं जो मतलब जहां मैं नहीं हूं कुछ भी नहीं है, इस स्थिति इनको वहां निर्वाण बताया जाता है। तो ये मेटेरियल स्थिति का सिर्फ 100% उभर जाने के बाद में उसको निर्वाण वो लोग बोलते हैं, लेकिन भागवत में वही मतलब जो स्वरूप व्यवस्थित इसको बोलते हैं कि ये भी वही सेम ही चीज है, मतलब आत्मा लेवल में वो जा चुका है, लेकिन उसमें जो आत्मज्ञान है इस तो वो आत्मज्ञान क्या होता है, आध्यात्मिक ज्ञान या फिर आत्मज्ञान क्या बताते हैं कि उसमें और परमात्मा है, तो खाली हम नहीं है परमात्मा भी है और स्वरूप स्थिति यहाँ जो भागवत में इम्प्रूव स्टेज बताया गया है कि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध में ज्ञान जो है पूरा हमको लाभ हो चुका है, तो अभी हमारा कर्तव्य कर्म को भी हम इम्पोर्टेंस दे करके फिर उनकी सेवा में क्या सेवा करें उनका, ताकि उनको खुशी मिले। हम ये जो पुतली है ना, काठ पुतली है, तो ये इसको भगवान ने बनाया एक खिलौना जैसा है,
तो क्या करते हैं, हम जब खिलौना खरीदते हैं तो क्या होता है कि हम उसके साथ थोड़ा आनंद प्राप्त करें। जैसे कि मैं कुछ खरीदा तो उसमें से कैसे मैं आनंद प्राप्त करूं, इस धारणा हेतु या ये जो फिलोसफी हेतु हम उसको खरीदते हैं। तो भगवान हमको बनाया, तो आप सोचिए भगवान का डिजायर क्या है, हम ये खिलौना बनाया तो वो खिलौने से हमको क्या होता है, प्लेजर प्राप्त होगा, तो वो फीलिंग है। ये है एक्चुअली रियल ज्ञान, मतलब कंप्लीट ज्ञान जिसको बोलते हैं। और खाली कंप्लीट ज्ञान नहीं है, उसके साथ जो विज्ञान है, प्रैक्टिकल है, उसको उसको मैं एंगेज रह करके फिर क्या होगा, भगवान का जो जिसको क्या है उसको जो बोलते हैं आनंद, ब्लिस, ब्लिस, सत चित और आनंद। तो आनंद के साथ जुड़े रहने से हमको क्या होगा कि जो आनंद का आभास आएगा, हमको आनंद का प्राप्ति होगा। अगर एनर्जी के साथ हम कनेक्टेड रहेंगे तभी तो वो एनर्जी हमको आएगा और मिलेगा। तो उसको बोलते हैं कि ये जो जो भक्ति योग में क्या होता है कि उस लेवल तक फिर बताया गया है तो जाकर के ये भले ही शरीर का स्थिति में नहीं रहेगा तो उनको वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा। तो वैकुंठ प्राप्त होने के बाद में फिर क्या होगा, वो फिर भगवान का प्रेममय वैकुंठ का मतलब है क्या है कि उसमें सारे लोग रहते हैं कि चतुर्भुज नारायण फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि उनको मटेरियल बॉडी बिल्कुल जीरो हो गया। तो उस फॉर्म में आकर के फिर वो क्या करते हैं कि गोलक वृंदावन में हमेशा भगवान के जो हाइएस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि गोलक वृंदावन में नित्य सेवा, नित्य लीला में जा करके उनका सेवा में, जिसको गोपी भाव बोलते हैं, और इसको बताया गया। लेकिन शुरू का जो वासुदेव स्थिति है या फिर ब्रह्मांड निर्वाण स्थिति है उसका होता है निर्वाण, जो दूसरा ये अष्टांग योगी का एंड हो जाता है। तो उनका जो लक्ष्य है वहीं तक है। तो इसीलिए ये बताते हैं कि जो हाँ इसको बताते हैं कि कैवल्यम स्वरूपम प्रतिष्ठा या फिर वे चित शक्ति का एंड उसको उन्होंने बताया कि तो उसके बाद में क्या होता है कि फिर ये जो भगवान का साथ जो इंटरनल एनर्जी पोटेंशी है उनके साथ जुड़े रहना। जैसे कि गोपियां रहते थे भगवान का जो इंटरनल एसोसिएट्स होते हैं, तो भगवान को इतना प्यार करते थे कि भगवान उनको देख करके कभी कभी भय करते थे कि मैं मेरे पास मैं तो खुद को आपको दे दिया, फिर उसके बाद में और क्या है देने के लिए। तो ये मैंने वो लेबल है। ठीक है, लेकिन पतंजलि मुनि तो ये फिर उनका आभास दिया गया है, दिए हैं। लेकिन यहाँ जो वेदांत सूत्र में भी वही चीज है, जैसे कि आनंदमय अभ्यासात है, इसका मतलब है दिव्य आनंद ही योग का अंतिम लक्ष्य है। इसीलिए भगवान का दिव्य सेवा में जो नियुक्त हो जाता है या फिर भक्ति योग जिसको बोलते हैं उसमें उसको आचरण करने से ये दिव्य आनंद खूब सहज में प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग ने देखा अभी ये जो श्लोक में थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको मतलब डिस्कस किया, तो उसमें देखे कि ये फिर भी उनको उस स्थिति में रहने के लिए कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन वो एक आ चुका है, उनको लग रहा है कि मैं कुछ पा चुका हूं, तो उस स्थिति में वो और उसमें फॉल डाउन नहीं करना चाहता है। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये जो ये है जस्मिन सितो दुखे न गुरुणापि विचल लेते, मतलब दुखे न मतलब है ये जो दुख में दुख का सम्मुखीन होते ही दुख का फीलिंग भी आ रहा है लेकिन विचलित नहीं हो रहा है, क्योंकि इतना संयम स्थिति में वो है। तो उसमें कष्ट है ऐसा नहीं है। गुरुणापि का मतलब है कि गुरुणापि वार्ड यहाँ यूज किया गया है, इसका मतलब है वो कष्ट है, कष्ट है, बहुत ही कष्ट है। एक्चुअली हम लोगों के लिए तो सोचे तो ये एक्चुअली बहुत ही कष्ट है, तो वो उस स्थिति में मेंटेन करके रह पाना बहुत ही कष्ट है। तो फिर भी उनको ये मैक्सिमम मैक्सिमम उस स्थिति तक वो आ सकते हैं। लेकिन जो दिव्यमय सेवा जो है, भगवान का जो दिव्य सेवा है, प्रेममय सेवा है, उस सेवा में क्या होता है कि एक ऐसा फीलिंग आता है, ऐसा आनंद का मतलब मिलता है। तो वो मतलब जो है, देखिए हम तो अष्टांग योगी नहीं कर सकते, लेकिन उस वैसा ही सेवा भगवान के प्यार में मतलब प्रेममय सेवा में हम लोग जुड़े रहेंगे तो हमको वो जो फीलिंग है वो सहज में मिल सकता है। लेकिन हमको उसमें जाकर के फिर वो जो क्रिया है या फिर जो भक्ति योग है, जो काम है जिसको बोलते हैं,
या कर्मयोग या हम लोग पिछला चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें जाना पड़ेगा। सेवा तो करना ही है, लेकिन सेवा हम कैसे करते हैं, हम कौन सी परिस्थिति में, उस परिस्थिति में हम भगवान का सेवा कैसे करेंगे, ये तो एक कठिन सा मतलब सब्जेक्ट है। हम बस में जा रहे हैं तो भगवान का सेवा कैसे करें, हम जप कर सकते हैं, या फिर साइड में जो व्यक्ति बैठा है अगर वो इंटरेस्टेड है तो उनके साथ में भगवान का के बारे में चकुर कथा सतद्वय मतलब के मतलब हम उनके उनके बारे में जो कथा है उसको फिर आस्वादन कर सकते हैं। वही तो कीर्तन होता है। भगवत कथा क्या है, भगवत कथा जो है वही है कीर्तन। मतलब भगवान का गुण रूप लीला का वर्णन करना या फिर उनके बारे में डिस्कस करना, वही तो होता है कीर्तन होता है। तो उसको प्रेममय सेवा बताया गया है। तो यही है, मतलब ऑफिस में रह करके हम कैसे, अगले दिन माता जी ने क्वेश्चन किया था, तो ये हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये हमारा जो कितना लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा जो जिसको गुणकर्म विभाग है ना, हम कौन सी गुण में है, सत्वगुण रजगुण और तमोगुण, किस लेवल का हम व्यक्ति हैं, उसको लेकर के हमको भगवान का सेवा करने, सब गुण में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाली सत्वगुण में जो है वो सिर्फ मतलब ब्रह्मण निर्भर प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो सत्वगुण में होते हैं तो वो कभी कभी एक साथ डिस्कस कर रहते हैं, बोलते हैं कि हाँ मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूँ, या फिर श्रीमद् भागवत में पढ़ता हूँ, भगवान का स्थिति क्या है, वो क्या है, मुझे ज्ञान है, वो भी तो एक ऐसा फीलिंग है ना। तो उसके आगे फिर वो डंप हो जाता है, मतलब ये ऐसा फीलिंग है। तो जिसमें जाकर वो सत्वगुण में रहेगा तभी भी नहीं जा पाए, सत्वगुण थोड़ा सहज कर देता है, फिर आगे जा करके ये जो मेटेरियल एक्चुअली क्या है कि मेटेरियल का है तीन गुण, सत्व रज तम गुण। तो मेटेरियल से पूरा छुटकारा का मतलब है कि ये तीन गुणों से छुटकारा पाना है, सत्व गुण से भी छुटकारा पाना है। तो ये सत्व गुण में रह करके जे कोई सिर्फ वो जाकर के उस लेवल में भगवान का दिव्य आनंद प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सत्व गुण में रहने से वो सहज होता है। तमोगुणी और रजोगुणी के कंपेरिजन में ये सत्व गुण में रहना थोड़ा इजी हो जाता है, फिर आगे उनको थोड़ा आसान रहता है। लेकिन ये तीनों गुण से फिर उठना पड़ेगा। तो इधर ये जो अध्याय है योग विधि में दो प्रकार के अवस्था बोला गया है, एक तो है संप्रज्ञात समाधि और है असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन इसे बताया गया है कि जब ये दिव्य स्थिति में कोई मतलब अवस्थान करता है जिसको संप्रज्ञ समाधि बताया जाता है। और संप्रज्ञ समाधि क्या है, जो भौतिक सुख के साथ में जब मतलब कंटैक्ट ही नहीं है, मतलब वो पूरा मेटेरियल हो चुका है, तो इसमें ये इंद्रिय सुख से पूरा ऊपर में रहता है, तो इसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। लेकिन संप्रज्ञात समाधि उससे क्या है, मतलब थोड़ा हायर लेवल है। तो इसीलिए क्योंकि इंद्रिय सुख है तो बिल्कुल उसको अभी डिजायर कुछ नहीं रहता है। तो ये जो दिव्य स्थिति बताया गया है कि ये असंप्रज्ञात समाधि, उस लेवल में जा करके क्या होता है कि उस लेवल में वो रह जाता है और उस लेवल में और नीचे नहीं आता है। लेकिन ये क्या है कि जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी जो है उसमें ये एक्चुअली क्या है कि ये जो है ये योग सिद्धि कभी उनको प्राप्त नहीं होता है, या फिर ये क्या करते हैं कि भुक्ति मुक्ति और सिद्धि ये तीनों चीज के प्रति उनका मतलब वो अट्रैक्टेड होकर के रहते हैं, और वो जो शक्ल चीजें हैं तो उनको प्राप्त करने हेतु उनका मन में डिजायर रहता है, तो उसीलिए वो आकृष्ट होते हैं। ये एक्चुअली हाईएस्ट लेवल नहीं है। इसको क्या किया जाता है कि ये जो प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान धारणा समाधि करते हैं, ये एक्चुअली जाकर के उस लेवल तक तो जाएंगे, बहुत परिश्रम करके उस लेवल में जाएंगे, लेकिन फिर उससे आगे जाना उनके उसमें बहुत ही डिफिकल्ट है उनको, क्योंकि उनको धारणा उसमें नहीं है, क्योंकि वो अष्टांग योग प्रोसेस में जा रहे हैं, उनको जो बताया गया है उसी में जाएंगे। जब मेटेरियल फीलिंग पूरा 100% उसमें छुटकारा मिल जाएगा, वो बोलेंगे कि हम निर्वाण स्थिति में आ गए, या फिर ब्रह्म फीलिंग जो है, या फिर जो स्पिरिचुअल फीलिंग
वो तो आना शुरू हो जाता है, तो बोलते हैं कि हमारा हो गया, हम हमारा हमको या बोलते हैं निर्वाण या फिर मोक्ष प्राप्ति हो गया। लेकिन यहाँ फिर प्रभुपाद फिर आगे ये जो भक्ति योग है, कृष्ण चेतना जो योग है, उसको बताते हैं। ये क्या उसमें क्या होता है कि ये जो भौतिक सुख के सुख जो है, इसको जो जो कृष्ण चेतना में रहते हैं वो उसको क्या करते हैं, पूरा त्याग कर देते हैं। लेकिन हम लोग जिसको क्या बोलते हैं कि हम अगर वासुदेव तत्व जो बताया, वासुदेव तत्व का मतलब है जो इसमें ब्रह्म निर्वाण स्थिति जो बोलते हैं, वहां से प्योर प्योर जो बोलते हैं ना, हम लोग प्योर स्पिरिचुअल हो गए वासुदेव स्थिति, तो उस लेवल में हम लोग जब नहीं जाते हैं तो क्या होगा, हम ऐसे ही कुछ कर रहे हैं, फिर अब प्रवृत्ति निवृत्ति वैसा चलता रहता है। लेकिन कंप्लीटली निवृत्ति जब हो जाएगा तब उसको बोलते हैं कि वासुदेव स्थिति, या फिर जिसको बोलते हैं वहां से प्रेमोमयी सेवा पूरा शुरू हो जाता है। वो उसमें कभी भी ये जो मतलब जो व्यक्ति उसमें कभी भी कोई मैटेरियल सेंस के पीछे या सेंस ग्रेटिफिकेशन का हेतु वो कभी उसमें भागता ही नहीं, उसमें ये बेनिफिट है। लेकिन लेकिन ये जो ध्यान योग है या ज्ञान योग है या फिर ये जो हठ योग अभी हम लोग डिस्कस किए, उसमें जो अभ्यास करने हैं तो बहुत ही इम्पेडिमेंट्स आते हैं। सेक्लूडेड प्लेस में जाना है, कोई डिस्टर्बेंस होना नहीं चाहिए, कभी कभी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि भूकंप भी आ सकता है, तो उसमें ये मतलब इसमें प्रतिबंध नहीं आएगा बोल के कोई गारंटी ही नहीं है, लेकिन जब भक्ति योग में रहता है, कर्म योग में रहते हैं, अगर ऐसा कुछ भूकंप भी आ गया तो वो क्या सोचेगा, हरे कृष्णा, मतलब भगवान के को आपको खुद को जो कंटेक्ट है उसी में रहेगा, उनके साथ कनेक्टेड होते रहेगा, तो उनके जो ये जो फीलिंग है ये पूरा चला जाएगा। मेरे मेरे को कुछ विपत्ति आ रहा है, ठीक है भाई, आप में तो आप तो है भाई, मैं तो ऐसे ही शरीर जाने वाला था, वो आत्मा थोड़े ना, मतलब वो तो नश्वर है, तो कोई बात नहीं है, वो मूत्र को जय कर जाता है। प्रभुपाद कभी कभी इसको आर्गुमेंट में ऐसा बताया है कि कोई बोला कि आप क्या कर सकते हो, एक मैजिशियन ने बताया था, तो उन्होंने बताया कि ना मैं आपको मृत्यु से विजय प्राप्त करा सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं क्या। तो वो जो जादूकर था वो चुप हो गया, वो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा आंसर हमको मिलेगा, कि जो कि हम सोच ही नहीं सकते, मतलब वो जादूकर उसको सोच नहीं सकता। तो इसीलिए बताया गया है कि जो भक्ति शुद्ध भक्ति योग या फिर कि शुद्ध भक्ति योग मतलब है जिसको बोलते हैं वासुदेव तत्व, तो मतलब उसमें और मटेरियल पूरा जीरो हो चुका है, तो उस लेवल में है, तो उसमें ये भले ही वो मटेरियल बॉडी में है लेकिन वो उस स्थिति में पहुंच चुका है, लेकिन उसको जो हमारा जो क्या बोलते हैं ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, वो जो जो रिक्वायरमेंट है उसका फीलिंग ही आता नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऑटोमेटिकली भगवान के सेवा में जब एंगेज रहता है तो वो जो उसको ईटिंग ईटिंग कैसे हो जाता है, अगर भगवान को प्रसाद लगा करके वो ले लेता है तो इनडायरेक्टली उनका जो ईटिंग जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गया। स्लीपिंग जो है वो क्या है कि भगवान का जो कभी कभी दिव्य निद्रा में भी वो सो जाता है, क्या कैसे कि मैं कल सुबह 3 बजे उठ के भगवान का जो फिर सजाना है उसको बोल के वो उसी स्लीपिंग में वो चला जाता है, तो ऐसा है। और भगवान का सेवा है तो मुझे संतान प्राप्त करना है ताकि वो भी मेरे को हेल्प करेगा या फिर वो भी जाकर के भगवान के सेवा जुड़ा रहेगा, इसीलिए वो मीटिंग करता है। और ये चीज है, तो उस लेवल में वो उसका जो स्थिति है बहुत ही हाई लेवल इसको बताया गया है। ये क्या करता है कि ये सारे जो वस्तुएं हैं, जैसे कि आप इवन आप खुद का मन, खुद का बुद्धि, खुद का सेंसेस, जो सटल और ग्रॉस की बात तो छोड़ दीजिए, वो तो नीचे की बात है, तो वो सारे चीज को फिर क्या करता है, भगवान के सेवा में लगा देता है। इसीलिए इसको किसी का इविन इविन कोई जो जो कृष्ण चेतना में जितना लेवल में हायर लेवल में गए हैं, कभी किसी का डेथ हो जाता है तो उतना विचलित नहीं होते हैं। तो ये आत्मा तो जाने वाला चीज है, शरीर तो कपड़ा जैसा है, वो फट के फिर वो मिट्टी में मिल जाना है, तो वो हो गया, उसमें दुख क्या है। हमारा जब तक अटैचमेंट रहेगा आत्मीय स्वजन के प्रति, हम उसमें रोएंगे, हैं
हमारा कुछ हानि हो गया, ये मेटेरियल शरीर जो है उसका हानि हो गया। मेटेरियल शरीर का कोई मोल नहीं है, जब तक स्पिरिट उसके अंदर में है तो उसका मोल कोई कल्पना नहीं कर सकता, कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता। लेकिन जब वो चला जाता है, निकल जाता है, तो उसका कोई मोल नहीं, वो मिट्टी के साथ समान है। उसको भाई ये सबको लेकर के संस्कार करके आ जाओ भाई, छोड़ के यहाँ गंदगी फैलाएगी, ये इस टाइप का है। उसके बाद में कोई हमारा नाम लेकर के पुकारता नहीं है। वो क्या करते हैं, लेकर के इसको संस्कार करके जला के राख कर दो, या फिर कोई भी कुछ उसको डिस्पोज ऑफ कर दो। तो इसीलिए बोला गया है कि इधर क्या होता है कि जो भी स्थिति आता है उसका, वो सारे चीज को सह लेता है। ये है बेनिफिट है जो कृष्ण चेतना या फिर भक्ति योग में रहता है वो। ये इसका मतलब डिस्कस करने का मतलब यही है, हमको भी खुद का प्रतिभाति हो रहा है कि ये आसान है। उस वैसा जो हट योग है, जिसको बोलते हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग जो है, वो सब करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बस की बात नहीं। हरे कृष्णा, थोड़ा सा टाइम ज्यादा